फ्रेंड्स, मेनू कैडिये हिंदी रेसिपी चैनल में मैं वैशाली आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं लेमन टी। लेमन टी बहुत ही हेल्दी एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक होती है। हम सब ही दिन की शुरुआत चाय से करते हैं, पर वही चाय अगर हेल्दी हो तो हमारे दिन बहुत ही अच्छा जाता है। लेमन में विटामिन सी होता है, इससे हमारा वजन घटाने में मदद होती है। इससे हमारी त्वचा संबंधी बीमारियां भी कम होती है, मेंटल स्ट्रेस भी कम करने में लेमन टी बहुत ही असरकार होती है। तो चलिए देखते हैं लेमन टी कैसे बनाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये चाय बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। 5 से 10 मिनट में हमारी ये चाय बनके तैयार हो जाती है। ये बहुत ही हेल्थी ड्रिंक होती है। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में एक छोटा ग्लास पानी ली हूँ। पानी को अच्छे से उबाल आने देंगे। अब इसमें मैं आधा छोटा चम्मच छिला हुआ अदरक डालूँगी। यहाँ पे मैंने अदरक धो के अच्छे से छिलके के साथ छील ली हूँ, क्योंकि इसके छिलके में बहुत ही स्वाद होता है। इसको हम 1 मिनट तक अच्छे से बॉईल करके लेंगे, ताकि इसका अदरक का पूरा स्वाद इसमें अच्छे से आ सके। इसको अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच चाय की पत्ती डालेंगे। इस चाय में चाय की पत्ती थोड़ी कम डाली जाती है, क्योंकि ज़्यादा डालने से हमारी चाय कड़वी हो सकती है। इसको भी हम 1 मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे। अब ये उबल चुकी है। अब हम इसमें 2 चम्मच शक्कर डालेंगे। दोस्तों, इस चाय में नॉर्मल चाय के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डाली जाती है, क्योंकि नींबू की वजह से ये चाय थोड़ी खट्टी होती है। इसलिए इसका स्वाद बैलेंस करने के लिए इस चाय में थोड़ी ज़्यादा शक्कर डाली जाती है। अब इसे भी हम 2 मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे। चाय उबल रही है, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस ऑफ करके लेंगे और एक ग्लास में इसको छन्नी से अच्छे से छान लेंगे। अब 1 छोटा चम्मच इसमें हम नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस ज़्यादा नहीं डालने का है दोस्तों, नहीं तो हमारी चाय खट्टी हो सकती है। इसलिए 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डालेंगे। तो देखिए, हमारी चाय रेडी है दोस्तों। कितनी अच्छी लग रही है। आपका भी मन हो रहा है ना चाय पीने का, तो जल्दी से ये रेसिपी मेरी ट्राई कीजिए। नींबू की चाय दोस्तों, ये चाय बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है। सुबह आप इसे खाली पेट ले सकते हैं। इसमें आप शक्कर की जगह शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे बताना ज़रूर, और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।